फोटो आप देख रहे हो ये दिल दहला देने वाला फोटो, मैं इसके बारे बताता हूँ। ये तस्वीर 1975 में बोस्टन में लिया गया था। वास्तव में इसने फोटोग्राफी के लिए 1976 का पुलित्जर पुरस्कार भी जीता था। इसमें एक युवती और एक छोटी बच्ची को 15 मीटर की ऊंचाई से गिरते हुए दिखाया गया है। जिस बिल्डिंग में वे रहते थे वो जल रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलने की कोशिश की। हालांकि फायर ब्रिगेड द्वारा फायर कंट्रोल कर लिया गया था। दुर्भाग्य से जब वो सीढ़ी से आ रहे थे तो सीढ़ी ढीली होने के कारण वो 5वीं मंजिल से सीधे जमीन पर गिर गए। हालांकि महिला सीधे जमीन पर गिरी और सीधे टकराकर उनका मौत हो गया, और बच्चा मरे हुए शरीर यानी कि महिला के ऊपर गिरता है जिससे कि उसकी लैंडिंग होता है और वो बच जाता है। और यह तस्वीर बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, इसने अपने समय में बहुत ही विवाद पैदा किया था, इस हद तक कि इसने आग से बचने के तरीके को फिर से डिज़ाइन करने में मदद किया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसने इतिहास के लिए एक भयानक क्षण तैयार किया।